हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जिसमें कि आज लगी हुई है फूलों की प्रदर्शनी। इसमें फूल, फल और सब्जियां, सभी चीज़ों की प्रदर्शनी लगी हुई है। और ये देखिए एंट्री गेट को, इसको कितना सुंदर सजाया गया है, फूलों से बिल्कुल इसको कवर कर दिया गया है। और भीड़ भी बहुत है, बहुत लोग आ रहे हैं। आज यहाँ पहला दिन है, तो आज हम पहले दिन ही आए हैं। ये चलने वाली है 9, 10, 11, 3 दिन के लिए लगाई गई हैं। और बहुत लोग इसमें आ रहे हैं, ख़ास तौर से जिनको फूल पौधे पसंद हैं और हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट है जिनका, तो वो लोग ज़्यादा इसमें आ रहे हैं। और भी लोग आ रहे हैं, जनरल पब्लिक भी बहुत आ रही है देखने के लिए, क्योंकि इस तरह की प्रदर्शनियाँ यहाँ हर साल लगाई जाती है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत, ये चिड़िया को पूरा फ्लावर से कवर किया हुआ है और ये लोग आते जाते हैं। ये पार्क वैसे भी बहुत खूबसूरत है, कोई भी ओकेज़न होता है हमारे यहाँ तो हम लोग जनरली वहीं जाते हैं घूमने खेलने के लिए। उसमें बच्चों के झूले वगैरह भी हैं, तो बच्चों को भी लेके वहाँ लोग जाते हैं। पिकनिक मनाना होता है तो वहीं जाते हैं। तो बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है पार्क, आप ज़रूर आइए इसको देखने। और प्रदर्शनी तो कुछ न कुछ यहाँ लगा ही रहता है। और ये देखिए इधर साइड में झूले भी हैं बच्चों के झूले भी लगा रखे हैंगे, तो टेम्परेरी है, परमानेंट झूले भी हैं यहाँ, एक्सरसाइज करने के लिए भी हैं। तो अब हम प्रदर्शनी में एंटर हो रहे हैं। ये देखिए इधर दोनों तरफ हाथी बनाए हुए हैं फ्लावर से, बहुत फ्लावर लगाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत इसको सजाया गया है। तो आप भी यहाँ आइए, देखिए इसको और इन्जॉय करिए। तो फिर अब हम चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है। इस तरफ इधर पानी की व्यवस्था है, अगर आपको प्यास लगती है तो आप यहाँ पे पानी पी सकते हैं। बाकी उधर शॉप है, कुछ चिप्स पापड़ वगैरह बिक रहे थे और फूलों के पौधे और इस तरह की चीज़ें, बीज वगैरह सब उधर बिक रहे थे। तो अब हम अंदर आ रहे हैं, मेन गेट हमने पार कर लिया है। और यहाँ देखिए इतनी खूबसूरत क्यारी बना रखी है और ये मटके को सजा रखा है फूलों से। और ये पूरी फूलों की क्यारी है, उसमें बहुत ही खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। हॉली हॉक नाम है फ्लावर का, और इससे पूरी क्यारी भरी हुई है ये। और ये देखिए चारों तरफ इधर एक्सरसाइज करने के लिए है, तो यहाँ लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो ये पार्क अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। और ये देखिए फूल, ये देखिए ये बहुत ही प्यारे प्यारे फूल, मैं तो एकदम खुश हो गई यहाँ पहुँच के, क्योंकि यहाँ पे इतनी वैरायटी के इतने अच्छे फूल थे। ये देखिए इंसुलिन का पौधा है, शुगर का पौधा, ये देखिए इसको शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। ये बोगनवेलिया की वैरायटी यहाँ लगी हुई है, और कई सारे कलर थे, पिंक, वाइट, ऑरेंज, येलो, मतलब बहुत सारे कलर के बोगनवेलिया यहाँ लगे हुए थे। और ये देखिए ये बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत फ्लावर्स, डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स हैं, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं। और इन फूलों को देख के तो सच में ही मन एकदम गार्डन गार्डन हो गया था, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ फूलों के बीच में, मन कर रहा था यहाँ से अब जाए ही ना, बस यही फूलों को निहारते रहें। और इतने खूबसूरत फूल, इतने ढेर सारे एक साथ देखने को मिल जाए तो सच में ही मन कितना खुश हो जाता है। ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे फूल और इतने अच्छे से मेंटेन किए हुए थे, मैं तो एक एक फूल को बड़े ध्यान से देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये देखिए छोटे छोटे फूल और डिफरेंट वैरायटी ये फ्लावर्स हैं, ये इतने सारे फूलों को ये लोग मेंटेन करते हैं। हम लोग तो थोड़े से फूल नहीं मेंटेन कर पाते, ये लोग इतने ढेर सारे फूलों को मेंटेन करते हैं, अलग अलग नर्सरी से लेके आते हैं सब यहाँ प्रदर्शनी में लगाने के लिए। तो ये देखिए
रेलवे वाले, बैंक वाले और पता नहीं कितने लोगों से, कहाँ से, और मुझे तो लगता है कुछ घर में भी जिनके होते हैं वहाँ से भी ले आते हैं लोग प्रदर्शनी में लगाने के लिए। जीरेनियम देखिए, जीरेनियम के फ्लावर्स हैं, जीरेनियम में भी बहुत सारी वैरायटी आते हैं, कलर आते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत, देख रहे हैं कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। और ये देखिए डिफनवेकिया, डिफनवेकिया के बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। बड़े बड़े पत्तों वाला प्लांट रहता है। और इधर देखिए इन्होंने पाम लगा रखी, मैरांटा, और उधर पीछे की साइड में पाम भी लगे हुए हैं। ये देखिए ये सब पाम है। और ये देखिए चीफ गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो पहला दिन था तो इनॉग्रेशन होना था, इनॉग्रेशन किया और काफ़ी पब्लिक आई, सब देख रहे थे। देखिए ये पाम के पौधे, बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के पाम इसमें लगे हुए हैं। देखिए और वहाँ कुछ मिर्च, वेजिटेबल्स के भी प्लांट थे, सब्जियाँ भी लगी थी। देखिए मिर्च छोटी वैरायटी, ये देखने में ही छोटी होती, बहुत तीखी मिर्च होती है ये। और ये देखिए यहाँ फूल गोभी लगी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी अच्छी वैरायटी की ये गोभियाँ हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी भी है। देखिए कितना बड़ा साइज है इनका। और ये देखिए टमाटर, देखिए आप टमाटर देख के हैरान हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े टमाटर इसमें लगे हुए थे और इतने ढेर सारे बड़े बड़े टमाटर, बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये। देखिए टमाटर के पौधे लगे हुए हैं ये, इसमें टमाटर कितने अच्छे एकदम हैवी फ्लावर फ्रूटिंग हुई हुई है। और देखिए बैंगन, बैंगन की भी डिफरेंट वैरायटीज यहाँ देखने को मिली हमें। नॉर्मली हम वही मोटे वाले या पतले वाले बैंगन देखते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के बैंगन थे। तो ये तो अभी नॉर्मल वाले हैं, बाकी और भी बैंगन देखे मैंने, वो भी दिखाएंगे आपको। उसमें वाइट कलर के, ग्रीन कलर के और भी कई कलर के, ये देखिए हमारी ब्रोकली, इतनी खूबसूरत खूबसूरत इसमें ब्रोकली आई हुई है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लगा हुआ है। और ये देखिए मैं इंजॉय कर रही थी और रिकॉर्डिंग कर रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और देखिए पीछे पूरा हाथी एकदम पूरा फ्लावर से ढका हुआ, पूरा कवर किया हुआ था। इस तरह से मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे और इस प्रदर्शनी को एंजॉय भी कर रहे थे। देखिए मेरे हस्बैंड ये भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और यहाँ गेस्ट आए हुए थे और बहुत लोग आए हुए थे, तो सभी लोग जो है देख के खुश हो रहे थे फ्लावर्स को। और यहाँ का मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, फ्लावर भी मेंटेन किए हुए, बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए, बाकी प्रोग्राम ये बहुत ही अच्छा हुआ है। देखिए हम आए थे शाम के टाइम और जाते जाते हमको अंधेरा हो गया था। ये देखिए कलांचू की कितनी सारी वेराइटियाँ रखी हुई हैं, कलांचू ये देखिए लोगों ने इतनी सुंदर सुंदर डेकोरेशन कर रखी थी। ये देखिए ये इन्होंने वो अनाज से बनाया हुआ है और ये भी मक्का है और बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे इसको तैयार किया है या ऑर्गेनाइज़ किया है इस तरह से। और ये देखिए ये भी ऑर्गेनाइज़ किया, ये छोटा नेस्ट बनाया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और देखिए ये रोज़ की वैरायटी, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट वैरायटी के रोज़ेस रखे हुए, येलो, रेड, पिंक, वाइट, कितने प्यारे, इतने सारे फूलों को एक साथ देखने का मौका जल्दी नहीं मिलता है, तो ये मौका मैं कभी नहीं छोड़ती। पिछले साल भी गई थी मैं और इस साल भी गई थी मैं। पिछले साल तो थोड़ा दूसरे तीसरे दिन गए थे तो फ्लावर थोड़े मुरझा गए थे, इस बार मैं पहले ही दिन गई इसीलिए ताकि फ्रेश फ्लावर देखने को मिले मुझे। और ये देखिए ये सब वैसे तो पानी में डाल के रखे हुए हैं, ये बॉक्स के अंदर पानी है और इसी में फ्लावर लगाए हुए हैं ताकि ये 3 दिन तक बने रहें अच्छे फ्रेश।
काफ़ी लोग आए हैं देखने के लिए। देखिए यहाँ पे टिकट सिर्फ 5 रुपये है, तो आप इजीली जाके एंजॉय करिए। वैसे लाइट और लाइट वाला शो भी रहता है शाम के टाइम, आपको उसका अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अभी आप फ्लावर की प्रदर्शनी के साथ उसको भी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, कितनी अच्छी वैरायटी के फ्लावर्स इसमें लगे हुए हैं सब। ये देखिए जरबेरा के कितने खूबसूरत कलर हैं इसमें, ऑरेंज है, येलो है, वाइट है, डिफरेंट फ्लावर्स। ये देखिए पिंक जरबेरा तो गजब लग रहा है बिल्कुल। एस्टर के फ्लावर देखिए, इधर एस्टर लगे हुए हैं और जरबेरा लगा हुआ है, और डॉग फ्लावर के बहुत सारे कलर और वैरायटी लगे हुए हैं। और ये देखिए इधर गुड़हल की भी वैरायटी दिखाई दी अभी। ये देखिए मैं बोल रही थी ना, ये बैंगन की बहुत अच्छी वैरायटी। ये देखिए वाइट कलर के बैंगन, वाइट कलर के बैंगन लगे हुए हैं इसमें। और ये चेरी टमाटोज हैं जो जनरली नहीं दिखाई देते हैं, तो ये देखिए बहुत छोटा साइज़ होता है इनका। और फ्रूटिंग देखिए कितनी अच्छी हुई हुई है इसमें, बहुत ही अच्छा पौधा है, बहुत अच्छी मेंटेन कर रखा है इसको। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये चेरी टमाटो का पेड़। और ये देखिए ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोगों ने टोपियारी बना रखी है, जेड प्लांट की टोपियारी है, और इसी तरह से ऑर्गेनाइज कर रखे हैं डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट ट्री को, ये बोनसाई बना रखा है इसी में, और इतने सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और ये देखिए बोनसाई हैं ये, बरगद की बोनसाई, फाइकस की, जेड प्लांट की, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने ये बना रखी है बोनसाई। और बड़े के पीछे संतरे के छोटे छोटे बोनसाई बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये देखिए जेड प्लांट को कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, कि मुझे लगता है कम से कम 10 साल पुराना जेड प्लांट होगा जो ये ऐसा हो गया। और ये देखिए तितली बना रखी है, ये गणेश जी बना रखे हैं फ्लावर्स। और ये देखिए सलाद में खाए जाने वाले ये पत्ते। इनका मेंटेनेंस कितना अच्छा है, देखिए ये गांठ वाली गोभी है, और गांठ गोभी लगी हुई है। और गाइस ये देखिए कोलियस की तो इतनी सारी, मुझे लगता है कोलियस की कोई वैरायटी यहाँ छोड़ी नहीं है, सारी वैरायटियाँ लगा रखी है। बहुत प्यारा लग रहा था ये एक एक पौधा, इतना खूबसूरत लग रहा था, डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट पैटर्न कोलियस के, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो देखिए कितने डिफरेंट कलर के हैं, रेड, पिंक, येलो, ग्रीन और मेजेंटा, इतने सारे कलर में ये कोलियस हैं। कोलियस की इतनी कलर, इतनी वैरायटीज आती हैं कि क्या बताएं, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये देखने में। इसको तो गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए, मेरे गार्डन में ये बहुत सारे थे। पिछले साल मैंने थोड़ा सा केयर कम किया, उसकी वजह से ये चले गए थे, मगर फिर मैं इसको अपने गार्डन में ऐड करूँगी। और ये देखिए ये फ्रॉग बनाया हुआ था फ्लावर से, बच्चों ने बदमाशी कर करके इसके फ्लावर गिरा दिए सब। ये देखिए कोलियस, ये देखिए ग्रीन और वाइट कोलियस, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ये रेड कलर में। और देखिए कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम फ्रेश। इसके डिफरेंट कलर देख के दिल खुश हो जाता है बिल्कुल। और ये देखिए इधर ये फर्न की डिफरेंट वैरायटीज हैं, फर्न भी बहुत अच्छा पौधा है, इसको भी गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। और क्रोटन, क्रोटन देख के तो मुझे लगा मेरे घर में इनमें से ऐसा कोई क्रोटन नहीं है जो मेरे घर में ना हो,
तो करीब करीब ही सारी ही वैरायटी क्रोटन की मेरे घर में मौजूद है। ये देखिए सारी मैंने लगा रखी है, और अब मैं ये कोलियस भी सारे अपने घर में लगाने वाली हूँ। और इसी तरह से देखिए हमने इस प्रदर्शनी को एंजॉय किया, एक साथ लगे हुए कितने प्यारे लगते हैं ये कोलियस के पौधे। देखिए ये कोई वाइन है, बहुत ही प्यारी वाइन है, इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आए हुए हैं, और ये पिटूनिया की डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट कलर। और इसी तरह से ये देखिए यहाँ आके सच में दिल बिल्कुल खुश हो जाता है इतनी सारी वैरायटी के फ्लावर्स देख के। और ये देखिए ये पान, पान के पत्ते रखे हुए हैं ये, और इस फ्रूट का नाम मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, पर है कोई फ्रूट। ये देखो ऑरेंजेस इधर लगे हुए हैं, और ये पौधा भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आई थिंक ये ड्रेसिना की ही कोई वैरायटी है, और बहुत ही प्यारा पौधा है। और आप देख सकते हैं ये देखिए ये वही इंसुलिन का पौधा है, जिससे डायबिटीज़ को क्योर किया जाता है, डायबिटीज़ में ये बहुत हेल्पफुल होता है। और अब हम थोड़ा प्रदर्शनी से बाहर आ रहे हैं, यहाँ देखिए डेलिया की डिफरेंट वैरायटीज़ लगी हुई हैं, इतने बड़े छोटे डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट शेप के, और इतने अच्छे प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं। और इसी तरह से ये ढेर सारे फ्लावर लगे हुए हैं। देखते देखते रात हो गई थी, देखिए अब ये अंधेरे में बहुत अच्छा तो नहीं बन पा रहा है, मगर फिर भी बनाया मैंने वीडियो। ठीक है, कितने सारे फ्लावर एक साथ लगे, लोग अपनी फोटोग्राफ्स खींच रहे थे, साथ में सेल्फी ले रहे थे फ्लावर्स के साथ, पौधों के साथ, और वीडियोस बना रहे थे। हम लोगों ने भी वीडियो बनाया, और लोग भी इसी तरह से वीडियो बना रहे थे। देखिए पूरा माउंटेन बना हुआ है फ्लावर्स का, ये एक साथ इतने सारे खूबसूरत फ्लावर लगे हुए हैं। गाइस देखिए इसी तरह से फाइनली हम लोग पूरा प्रदर्शनी घूम के अब बाहर आ गए हैं, और ये मैं बाहर वीडियो बना रही। गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, और मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँ।